आप देख रहे हैं इशारा टाइम्स। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और इशारा टाइम्स की सारी नोटिफिकेशन पाइए। केयर निडी फाउंडेशन संस्था के 2 वर्ष पूरे होने पर 4 अगस्त को संस्था के बच्चों ने सेक्टर 19 के पार्क में पूरे उत्साह के साथ पौधारोपण किया। पर्यावरण को बचाने के लिए जुड़े बच्चों ने इस पौधा रोपण अभियान में पूरे जोश के साथ भाग लिया। इस मौके पर बच्चों ने पर्यावरण को बचाने के उपाय के बारे में भी बताया और सभी से आग्रह किया कि नेवडा और देश को स्वच्छ बनाने में सहयोग दें। निधि संस्था की तरफ से इन जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों के भविष्य को संवारने के पीछे केयर निडी का बड़ा हाथ है। इस मौके पर संस्था के सभी सदस्य मुख्य रूप से मीना गुप्ता, अंकित कुमार और एस अग्रवाल आदि लोग उपस्थित थे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं कि मतलब कितने सारे हम ले सकें और कर सकें, लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि नो टू हंगर, फ्री एजुकेशन गर्ल्स एंड चिल्ड्रन और जितनी हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं और जो बिल्कुल जहाँ जहाँ तक हमारी सोच और हमारी कोशिश हमारे हाथ जाएंगे वहाँ तक हम पूरी कोशिश करेंगे। मैम एक सवाल है, जैसे बच्चों के लिए काफी लोग वर्क करते हैं, सरकार भी करती है, संस्था भी करती है, अभी हाल ही में से आपकी संस्था दिल्ली एनसीआर में वर्क कर रही है। दिल्ली में 3 बच्चे मौत के रूप में चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं तो हम ये कि मतलब अवेयरनेस भी है, बहुत सारी चीजें हम मतलब देख के भी अनदेखा करते हैं, शायद जल्दबाजी होती है या व्यस्तता है हमारी, तो जो हम मतलब इंसानियत भी भूल जाते हैं, कभी मदद करने के लिए आगे नहीं आते, कभी होता है ऐसा कुछ और क्यों होगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर लेकिन उनके कोई भी आते अगर किसी संज्ञा सरकार को पैसे ना होने की वजह से कई बार करें तो आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने फिर हमने 2000
बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए लगाते रहते हैं। और फूड से नो टू हंगर हमारा एक कैंपेन चलता है। और गर्मियों में बीट द हीट हमने ड्रिंक्स स्कूल के बच्चों को, फ्रूटी हो गया और पानी हो गया, गुलाब जल हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं रैंडमली। अब हमने बहुत अच्छा कदम एक लॉन्ग टर्म हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है एजुकेशन को लेकर, कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक बढ़िया मतलब एक सही दिशा में अगर बच्चों को शिक्षा मिलता है तो वो जिंदगी में बहुत कुछ गरीब का बच्चा वही। तभी तो हमें हमने स्लम एरिया को टारगेट किया। सबसे पहले तो उनका एक विश्वास इतना बहुत बड़ी बात होती है कि आजकल इतना गलत काम हो रहा है कि आप पेरेंट्स उनके डरे हुए हैं।